साल बाद क्या फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी शाहिद कपूर और करीना कपूर की जोड़ी? क्या करीना शाहिद एक बार फिर से रीयूनाइट होने वाले हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब वी मेट के सिक्वल पर मुहर लग गई है और इस खबर के बाद से ही ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या फिर शाहिद और करीना साथ आएंगे। तो आखिर फिल्म बन रही है तो कब से बन रही है, साथ ही इसमें करीना और शाहिद ही आएंगे। आखिर क्या है इस फिल्म को लेकर आई अपडेट की डिटेल, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2007 में रिलीज हुई ये रोमांटिक कॉमेडी ब्लॉकबस्टर रही थी और आज भी ये फिल्म लोगों के दिलों पर राज करती है। इसके अलावा इस फिल्म को लोग आज भी उसी चाव से एंजॉय करते हैं, साथ ही फैंस हमेशा ही मौका मिलते ही इस फिल्म के सिक्वल की डिमांड भी करते रहते हैं। लेकिन अब लगता है कि फैंस की ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वी मेट के सिक्वल की आने की प्लानिंग भयंकर लेवल पर हो रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब वी मेट के सिक्वल राज मेहता द्वारा गांधार फिल्म्स बैनर के तहत प्रोड्यूस किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के सिक्वल वर्जन का डायरेक्शन इम्तियाज अली ही करेंगे। उन्होंने जब वी मेट का भी डायरेक्शन का बागडोर अपने ही कंधों पर रखा था। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक जब वी मेट 2 के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन जब वी मेट 2 की खबर ने पहले पार्ट को एंजॉय करने वाले फैंस के बीच एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है, जो गीत और आदित्य की कहानी को कंटिन्यू रखने के लिए एक्साइटेड हैं। हालांकि हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या करीना और शाहिद सिक्वल में अपनी भूमिकाएं दोबारा से निभाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इस एक्स कपल ने जब वी मेट के बाद से एक साथ काम नहीं किया है और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि जब वी मेट 2 के एक्टर्स या मेकर्स में से किसी की ओर से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या इनकार नहीं किया गया है, लेकिन कुछ फैंस को उम्मीद है कि वो अपने फेमस कैरेक्टर के खातिर स्क्रीन पर फिर से साथ नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ फैंस को ये भी लगता है कि इसमें किसी दूसरे स्टार कास्ट को साइन किया जाना चाहिए जो सिक्वल में गीत और आदित्य की भूमिका निभा सकते हैं, जैसे सारा अली खान और कार्तिक आर्यन, जिन्होंने इम्तियाज अली की लव आजकल 2 में एक्टिंग किया था। तो अब जब वी मेट के सिक्वल के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब वी मेट कुछ दिनों पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी। हालांकि उस दौरान शाहिद कपूर ने बताया था कि वो किसके साथ रोमांस करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि ये बात मेनली स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि अगर स्क्रिप्ट इजिली ओरिजिनल वर्जन से मेल खा सकती है तो शाहिद यकीनन आगे आएंगे। और तो और, शाहिद ने अपनी जब वी मेट की को एक्ट्रेस करीना की भी जमकर तारीफ की थी और बताया था कि उनके अलावा कोई भी उस भूमिका को नहीं निभा सकता है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद से लोगों को लगने लगा कि शाहिद ने ये हिंट दे दिया है कि करीना के साथ वो कमबैक कर सकते हैं, इस फिल्म में काम कर सकते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब वी मेट के सिक्वल पर जो सुगबुगाहट शुरू हुई है उस पर फाइनल मुहर कब तक लगती है। साथ ही इसके स्टार कास्ट पुराने वाले होंगे या कोई नया चेहरा, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, आप बताइए, जब वी मेट के सिक्वल में आदित्य और गीत के किरदार में आप किसको देखना चाहते हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।